हेलो एंड वेलकम टू सीएस भारत क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने ESOP स्टार्ट किया था, दैट मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और सेबी की रेगुलेशन कंपनी लोगों के साथ हमने पढ़ ली थी। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे जहां हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, जहां हमने स्कीम्स पढ़ी पांच। हमने ये पढ़ा कि स्कीम की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कंपनी डायरेक्ट भी कर सकती है और कंपनी इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रस्ट भी सेटअप कर सकती है। तो टॉपिक हमारा यही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट, कि कंपनी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन कर रही है क्या करके, ट्रस्ट सेटअप करके। तो सबसे पहले आप ट्रस्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये डिसीजन आपको अप फ्रंट ही लेना है। मतलब जिस टाइम पे आपने शेयर होल्डर्स से SR पास कराया था ESOP के इशू के लिए, ESOP के ग्रांट करने के लिए या स्कीम का के इशू के लिए, तो आपको अप फ्रंट यानी उसी टाइम आपको क्या कर लेनी है, शेयर होल्डर से परमिशन ले लेनी है कि आप सेकेंडरी मार्केट यानी आप ट्रस्ट सेटअप करके सेकेंडरी मार्केट के थ्रू क्या करना चाह रहे हो, स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, इसके लिए आपको परमिशन लेनी है। आप एक से ज्यादा भी ट्रस्ट बना सकते हैं या एक ही ट्रस्ट के थ्रू एक से ज्यादा स्कीम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट के थ्रू जब आप करोगे तो कुछ लिमिट्स हैं कि आप कंपनी की कैपिटल का एक सर्टेन पोर्शन ही सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर सकते हैं। आप सेकेंडरी मार्केट से जो शेयर खरीदेंगे वो डिलीवरी बेस्ड ही खरीदेंगे, कोई इंट्राडे वगैरह या डेरिवेटिव में डील नहीं करना है। आप जो भी शेयर खरीदेंगे उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ट्रस्ट अपने पास रखेगा, उसके बाद ही ट्रस्ट क्या करेगा, उसे फर्दर बेच पाएगा या आगे अदर चीजें कर पाएगा। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्कीम थ्रू ट्रस्ट। तो कंपनी डायरेक्ट भी कर सकती है या इरेवोकेबल ट्रस्ट भी सेटअप करके कर सकती है, और कंपनी अगर ट्रस्ट के थ्रू करना चाहती है तो कंपनी को डिसाइड करना है अपफ्रंट, जब आप अप्रूवल ले रहे हो शेयर होल्डर से स्कीम की, SR पास करा रहे हो तो उसी टाइम ये भी अप्रूवल ले लो। अगर कंपनी चेंज करना चाहती है क्या मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्कीम, तो फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, फ्रेश अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रियोर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच ए चेंज। और चेंज क्या नहीं होना चाहिए, प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और अगर आप सेकेंडरी मार्केट से ही करना चाहते हो तो फिर ट्रस्ट मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है ट्रस्ट कब, जब आप क्या करना चाह रहे हो, सेकेंडरी एक्विजिशन। सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब सेकेंडरी मार्केट से शेयर एक्वायर करना, और गिफ्ट और बोथ, इन केसेस में डायरेक्ट नहीं हो सकता, ट्रस्ट का सेटअप होना मैंडेटरी है इन केसेस में। आप चाहो तो एक ही ट्रस्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, सेवरल स्कीम कर सकते हो, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर सिंगल ट्रस्ट के थ्रू सेवरल स्कीम है तो फिर हर स्कीम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर स्कीम के रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मेंटेन करने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट डीड में वो प्रोविजंस होने चाहिए जो पार्ट ए ऑफ शेड्यूल वन में और रेगुलेशंस में दी गई है, और आपको मैंडेटरी फाइल भी करना है ट्रस्ट डीड किसके पास, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास। फिर वो कह रहे हैं ट्रस्टी कौन कौन हो सकता है, तो कह रहे कोई भी पर्सन ट्रस्टी हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता ये लिखा है, कोई भी बन सकता है लेकिन कौन नहीं हो सकता, कंपनी का डायरेक्टर, KMP, प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, ग्रुप कंपनी या कोई भी इनका रिलेटिव क्या नहीं बन सकता, ट्रस्टी नहीं बन सकता, या जिसने होल्ड कर रहा है 10% और मोर बेनिफिशियली होल्ड। बेनिफिशियली मतलब वो रजिस्टर्ड होल्डर है प्लस बेनिफिशियल होल्डर है, दोनों है, और 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है तो नहीं बन सकता। सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है तो बन सकता है, रजिस्टर्ड ओनर नहीं है लेकिन बेनिफिशियल ओनर है और 10% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है तो वो भी नहीं बन सकता। अगर आप इंडिविजुअल या ओपीसी को ट्रस्टी बनाना चाहते हैं तो दो लेकर आइए, और अगर आप कॉरपोरेट एंटिटी को बना रहे हैं तो सोल ट्रस्टी से भी काम चले जाएगा। ठीक है, ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट को क्या, ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट क्या नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर, मतलब जो शेयर ट्रस्ट के पास है उनके रिगार्डिंग कोई वोटिंग राइट आपके पास नहीं है। ट्रस्टी को एंश्योर करना है कि रेक्विजिट अप्रूवल ले ली गई है शेयर होल्डर से इनेबल करने के लिए ट्रस्ट को, दैट मीन्स जिसकी वजह से ट्रस्ट क्या कर पाए, सेकेंडरी एक्विजिशन कर पाए, इसके लिए नेसेसरी अप्रूवल ले ली गई है। ट्रस्ट डील नहीं करेगा किस चीज में, डेरिवेटिव्स में, सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, एक्विजिशन करना है सेकेंडरी मार्केट से वो भी डिलीवरी बेस्ड।
कंपनी लोन देगी किसको? ट्रस्ट को ऑन अप्रोप्रिएट टर्म्स और कंडीशन। आइदर कंपनी नए शेयर इशू करने के लिए, नए शेयर इशू होंगे कंपनी और उनको खरीदने के लिए, या सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदने के लिए। ट्रस्ट जो है ना तो प्रमोटर वाली कैटेगरी में आएगा और ना ही पब्लिक वाली कैटेगरी में आएगा, तो ट्रस्ट को बेसिकली दोनों से ही आउट कर दिया गया। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर टू बी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, द शेयर होल्डिंग ऑफ ए ट्रस्ट शैल बी शोन एज नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। डन। ट्रस्ट को नहीं डालना है ना तो प्रमोटर कैटेगरी में ना ही पब्लिक कैटेगरी में। सेकेंडरी एक्विजिशन, अब ये याद रखना कि ट्रस्ट एक साल में कितना कर सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट से एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रस्ट कंपनी की पेड अप कैपिटल का सिर्फ 2% ही परचेज कर सकता है, सिर्फ 2% ही एक्वायर कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मतलब सारी स्कीम्स का अगर मैं मिला के कहूं, और मैं ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, तो उसने स्कीम्स के बेसिस पे डिवाइड किया कि कंपनी अगर पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी की स्कीम लेकर आती है तो इन तीनों स्कीम्स में मिला के 5%, डी और ई के लिए मिला के 2%, और ऑल के लिए टोटल के लिए 5% ही है। ठीक है, कंपनी अगर पहली दूसरी तीसरी के लिए लेकर आती है तो 5%, डी और ई वाली। ए में क्या है? ई एस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, पार्ट बी ई एस पी एस, पार्ट सी एस ए आर, पार्ट डी जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम, और पार्ट ई रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। तो ये ओवरऑल बता रहा है कितना परसेंट। देखो एक साल में 2%, एक साल में 2% ओवरऑल कितना कर सकता है, तो नो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे नीचे लिखी हुई लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। मतलब एक साल में 2%, फिर अगले साल थोड़ा 2% और कर लिया, अगले साल और करना चाहते हैं, तो ओवरऑल मिला के कितना होगा? अगर ये वाली स्कीम है तो टोटल ही 5% है, ये वाली स्कीम है तो 2% है, अगर सारी ही स्कीम चल रही है तो फिर 5 ही% है। ठीक है, ये स्कीम भी चल रही है, ये भी यहां चल रही है, ये तो 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, क्योंकि ओवरऑल कितना है? 5। मान लो ये कम है या 1 है तो वो 4 हो जाएगी, तो इस तरह से ओवरऑल दिया गया है। तो ये जो सीलिंग है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जो लिमिट है वहां एप्लीकेबल नहीं है, जहां शेयर्स नए इशू से आए हैं या गिफ्ट हुआ है प्रमोटर से, तो ये लिमिट तो वहीं एप्लीकेबल है ना जहां सेकेंडरी मार्केट से शेयर एक्वायर। अगर सेकेंडरी मार्केट से शेयर एक्वायर हुए हैं तो ही लिमिट है, सेकेंडरी मार्केट से शेयर एक्वायर नहीं किए हैं तो कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। डन। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने ऑप्शन ज्यादा दे दिए और जो सेकेंडरी मार्केट से एक्विजिशन होगा वो कम है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दिए जिससे हमें कितने शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। लेट से मैं एक ऐसे ही लिमिट लिख लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि हमने ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद हमें 5 करोड़ शेयर्स की नीड है, ऑप्शन हमने 5 करोड़ शेयर्स के दिए हैं। हमने ट्रस्ट को बोला सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर लो, ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर कर पाया तो ट्रस्ट 5% ही एक्वायर कर सकता है, जो 4 करोड़ निकले। अब ऑप्शन ज्यादा है और ट्रस्ट ने जो सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर किए विद इन द लिमिट वो कम है, तो ऐसे में कंपनी को बचे हुए शेयर इशू करके देने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? सच शॉर्टफॉल शैल बी मेड अप बाय द कंपनी थ्रू न्यू इशू। तो ऐसे में कंपनी को नए शेयर इशू करके देने पड़ेंगे ट्रस्ट को, क्योंकि ट्रस्ट तो एक लिमिट से ज्यादा शेयर एक्वायर कर ही नहीं सकता मार्केट से। ये जो ट्रस्ट ने शेयर एक्वायर किए हैं ये मिनिमम होल्ड करने हैं 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक कोई ट्रांसफर अलाउड नहीं है। ट्रस्ट को होल्ड करने हैं वो शेयर जो उसने सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर किए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 मंथ के लिए। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिन सर्कमस्टांसेस में आप क्या कर सकते हैं, इन शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस है? दैट मीन्स ट्रस्ट ऑफ मार्केट भी कर सकता है। ऑफ मार्केट का मतलब विदाउट यूजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बिना स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज किए, दैट मीन्स फिजिकली आप एक दूसरे के साथ भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रस्ट क्या कर सकता है? इनको बेच सकता है। और दूसरा क्या है? ट्रस्ट चाहे तो शेयर्स
शेयर मार्केट का यूज करके, दैट मीन सेकेंडरी प्लेटफॉर्म का यूज करके भी कर सकता है। ऑफ मार्केट में क्या करेगा ट्रस्ट, या तो एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज कर लिया तो एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया ट्रस्ट, 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ओपन ऑफर में, ओपन ऑफर कब आता है, जब टेक ओवर का ऑफर आता है, या बायबैक का कोई ऑफर आया, या कोई एग्जिट ऑपर्चुनिटी, एग्जिट ऑपर्चुनिटी शेड्यूल 20 ICDR रेगुलेशन याद है ना, जब ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करते हैं तो एग्जिट ऑपर्चुनिटी दी जाती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि 6 महीने तक मिनिमम होल्ड करके रखने हैं, होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं एम्प्लॉयज को 6 महीने के अंदर अंदर, या कोई ऑफर आया है, ओपन ऑफर आया है, कोई बायबैक का ऑफर आया है, या कोई एग्जिट ऑपर्चुनिटी का ऑफर आया है, तो उस केस में 6 महीने से पहले भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करके करना हो तो वहां भी कुछ एक्सेप्शन है जहां मैं 6 महीने के अंदर अंदर कर सकता हूं। तो उसने पहले यही कहा कि ट्रस्ट एक मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए ट्रेडिंग का, मतलब ट्रस्ट होल्ड करने के लिए शेयर खरीदता है एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, ना कि डेली बेसिस पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां वो ट्रेड कर सकता है। तो यही है पहला, तो जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा, जब एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो ऑन वेस्टिंग और एक्सरसाइज किस चीज का, पहला जब हम उसने इसोप एक्सरसाइज किया, दूसरा जब उसने एसएआर एक्सरसाइज किया, तीसरा जब पार्ट डी और पार्ट ई जहां पे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए था, और इमरजेंसी आई और एम्प्लॉय ने बोला अब एक्सीडेंट हो गया पैसा चाहिए, या रिटायर हो रहा है फिर पैसा चाहिए, तो ऐसे में क्या करने के लिए, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए शेयर्स बेचने पड़ेंगे, तो फिर पैसे के लिए शेयर्स बेचे जा सकते हैं और रीजन रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर वही पार्टिसिपेशन करने के लिए बायबैक, ओपन ऑफर, डीलिस्टिंग ऑफर में रीपे करने के लिए लोन, फिर हम शेयर बेचेंगे बेचेंगे, स्कीम का वाइंड अप हो रहा है फिर भी शेयर बिकेंगे, या अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया एप्लीकेशन के बेसिस पे, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि स्कीम बंद ही हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे सेल किए जा सकते हैं शेयर। डन, टू इनेबल द एम्प्लॉयज टू फंड द पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्राइस, कि एक्सरसाइज प्राइस मतलब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कैशलेस एक्सरसाइज ऑफ इस ऑप्शन क्या है। पहला पॉइंट अलग है, बाकी सारे आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। पहला पॉइंट समझना थोड़ा सा, कैशलेस एक्सरसाइज ऑफ इसोप। कैशलेस एक्सरसाइज ऑफ इसोप का मतलब क्या है समझेंगे। कंपनी ने एक ट्रस्ट सेटअप किया था इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम, ये ट्रस्ट इरिवोकेबल है, दैट मीन्स ये ट्रस्ट रिवोक नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा, सालों तक रहेगा, ऐसे ही चलेगा। तो एक स्कीम आई, ये स्कीम क्या हो गई, इंप्लीमेंट भी हो गई। इंप्लीमेंट होने के बाद ट्रस्ट में कुछ शेयर रिमेनिंग रह गए, कुछ शेयर क्या रह गए, रिमेनिंग रह गए। ये फर्स्ट स्कीम आई थी, इंप्लीमेंट हो गई, खत्म भी हो गई, और लेकिन कुछ शेयर्स बैलेंस के तौर पे किसके पास पड़े रह गए, ट्रस्ट के पास पड़े रह गए। एक्सरसाइज करने के बाद एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ एक्सरसाइज नहीं हुए, तो उस केस में क्या बच गए, ट्रस्ट के पास कुछ शेयर्स बच गए। तो ट्रस्ट के पास वो शेयर्स पड़े हैं, किसी ने क्लेम किए नहीं, ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े हैं, ट्रस्ट ने जो पैसा आया था कंपनी का लोन भी चुका दिया, सब कुछ हो गया, और ट्रस्ट के पास अभी भी शेयर्स पड़े। फिर आफ्टर मतलब सम टाइम एक सेकंड स्कीम आई, इस सेकंड स्कीम को भी इंप्लीमेंट किया गया, यहां से भी क्या हो गया, कुछ शेयर्स रिमेनिंग हो गया, यहां से भी कुछ शेयर्स रिमेनिंग हो गया, यहां से भी कुछ शेयर्स। थोड़े टाइम के बाद थर्ड स्कीम आई, थर्ड स्कीम जब आई तो कंपनी ने क्या बोला, लोन दे देते हैं हम किसको, ट्रस्ट को। अब ट्रस्ट क्या कर रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था, तो एक्सरसाइज हुआ। अब हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे क्या मिलता है, एक्सरसाइज प्राइस मिलता है किसको,
ट्रस्ट को, और ट्रस्ट से क्या करता है, इस पैसे से रीपे करता है लोग। ठीक है, अभी तक जो सिचुएशन थी वो ये समझते हम आ रहे थे, अब जो सिचुएशन है वो समझना क्या है। देखो मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, ये अभी तुम समझना कि इसी के कॉन्टिन्यू में। अब ट्रस्ट क्या कहता है, ट्रस्ट एम्प्लॉइज को शेयर तो दे देता है, लेकिन इसके बदले में क्या है, क्या कहते हैं, कैशलेस, कोई कैश देने की जरूरत नहीं है, फ्री के शेयर है तुम्हारे। अब ट्रस्ट के पास क्या नहीं आया, ट्रस्ट के पास एक्सरसाइज प्राइस नहीं आया, और ट्रस्ट को रीपे करना है लोन किसका, कंपनी का। ट्रस्ट को क्या करना है, कंपनी का लोन रीपे भी करना है। ट्रस्ट क्या कर रहा है, ट्रस्ट के पास ओल्ड स्कीम्स के कुछ शेयर इन बैलेंस है, इनको क्या किया, सेल किया। यहां से जो मनी आई, इस मनी से रीपे किया लोन, मतलब इस बार वाली स्कीम्स में एम्प्लॉय से कुछ नहीं लिया, बल्कि पुरानी स्कीम्स के बैलेंस वाले शेयर बेच के उन शेयर से जो पैसा आया वो पैसे से कंपनी का लोन दे दिया। एम्प्लॉयज को फ्री में शेयर्स मिल गए, ट्रस्ट ने अपना लोन भी रीपे कर दिया, और कंपनी क्या कह रही है, कैशलेस एक्सरसाइज ऑफ इसो। समझ में आया कि ट्रस्ट ने पुरानी, जब पहले 4-5 स्कीम ऑलरेडी थी, वहां से कुछ बचता गया बचता गया बचता गया, उस बचे हुए शेयर्स को आज सेल करके उनसे कंपनी का लोन रीपे कर दिया, और एम्प्लॉयज को बोला कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस नहीं है, ये क्या है, कैशलेस एक्सरसाइज है। तो यहां पे क्या किया है, टू एनेबल द एम्प्लॉयज, इनेबल करने के लिए एम्प्लॉयज को कि वो क्या कर सके, वो पेमेंट कर सके एक्सरसाइज प्राइस, द अमाउंट नेसेसरी टू मीट हिज या हर टैक्स ऑब्लिगेशन या अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस पर्सुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड अंडर इसोस। कैशलेस एक्सरसाइज सिंपल सी चीज है ये, कि एम्प्लॉयज को एक तरह से पैसा देने के लिए कि वो क्या कर सके, वो एक्सरसाइज कर सके, पैसा ट्रस्ट ने ही दिया है, ट्रस्ट ने चाहे एम्प्लॉयज को दिया, एम्प्लॉयज ने वापस ट्रस्ट को दिया, ट्रस्ट ने रीपे कर दिया लोन, कैसे भी कह लो, या ट्रस्ट ने शेयर बेचे। तो यहाँ क्योंकि हम टॉपिक यही पढ़ रहे हैं ना, सेल नहीं कर सकते लेकिन सेल कर सकते हैं, सेल का मतलब शेयर सेल किए हैं, शेयर सेल किए हैं ताकि एम्प्लॉयज को क्या किया जा सके, इनेबल किया जा सके कि वो पेमेंट कर सके एक्सरसाइज प्राइस की। तो पेमेंट किसको दे दी, एम्प्लॉयज को दे दी, एम्प्लॉयज ने वापिस ट्रस्ट को दी, ट्रस्ट ने कंपनी का लोन रिपे कर दिया, कैसे भी कह सकते हैं। ऑन वेस्टिंग और एक्सरसाइज, जब एसएआर का वेस्टिंग होता है या एक्सरसाइज होता है, उस टाइम पे क्या होगा, शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है वही बेनिफिट है। तो ये डिफरेंस तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर्स तो सेल करने पड़ेंगे, तभी तो मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस माइनस एसएआर प्राइस आएगा, यह हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो आपकी जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम है, ये जो आपकी आरबीएस स्कीम है, इस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना है, एम्प्लॉयज से कुछ नहीं लिया गया है, सिर्फ बेनिफिट देना है। तो बेनिफिट देने के लिए क्या करने पड़ेंगे, शेयर तो सेल करने पड़ेंगे, लेकिन जो अमाउंट है वो एक डेफिनेट टाइम में यूज कर लेनी है, इसका ध्यान रखना है, फिर बाकी तो आपके सिंपल दिए गए हैं। डन, यही आपके 12-13 पॉइंट जो भी थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं को ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से काफी क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और पूछने लायक हैं। डन, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करी जाएगी, एक कंपनसेशन कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या की जाएगी, एक कंपनसेशन कमेटी बनाई जाएगी, या तो देखो अलग से कंपनसेशन कमेटी बना लो, अलग से कंपनसेशन कमेटी नहीं बनाई तो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, एनआरसी, एनआरसी रेगुलेशन 18 में आती, 19 पता नहीं ऐसे ही कुछ आएगा रेगुलेशन, आई थिंक एलओडीआर की रेगुलेशन 19 है आई थिंक, देख लेना एक बार। तो ये एनआरसी, एनआरसी जो आप सेक्शन 178 में पढ़कर आए थे, यही कमेटी कंपनसेशन कमेटी का काम करती है, यही कमेटी कंपनसेशन कमेटी का काम करती है।
फिर क्या कह रहा है कि जहां पे एम्प्लॉई ही डायरेक्टर है, वेयर एम्प्लॉई इज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ ए कंपनी. क्या कह रहा है, जहां पे एम्प्लॉई ही डायरेक्टर है, कौन सा डायरेक्टर, जिसे नॉमिनेट किया है किसी नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन ने. मतलब हमारा एम्प्लॉई बैंक का नॉमिनी है, हमारा एम्प्लॉई हमारी कंपनी का डायरेक्टर बैंक ने या किसी और ने हमारी कंपनी में नॉमिनेट कर रखा है, तो क्या इस नॉमिनी को भी मिलेगा? तो कह रहे यस मिलेगा, लेकिन किसके बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो हो रखा है इस इंस्टीट्यूशन जिसने नॉमिनेट किया है और जो डायरेक्टर नॉमिनेट होके अपॉइंट हुआ है, इनके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है जिसमें ये लिखा गया है कि यस अगर कोई भी ग्रांट है तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है, ग्रांट रिनाउंस नहीं होंगी और कंडीशन फीस कमीशन ये सब डायरेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है, अगर उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो वही हम उसे क्या दे देंगे, हम उसे इसोप या इन स्कीम का बेनिफिट देंगे. ये जो फाइल करना है, कंपनी के पास फाइल होना चाहिए और ये एक कॉपी बोर्ड के आगे भी रखनी है डायरेक्टर के द्वारा, जिस बोर्ड मीटिंग में वो अटेंड करेगा उसकी नॉमिनेशन के बाद. ठीक है, कंपनसेशन कमेटी, मैंने आपको पहले ही बोला कि कंपनसेशन कमेटी किस लिए जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरिटेंडेंस करने के लिए. और स्कीम जहां इंप्लीमेंट होती है किसके थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू, कंपनसेशन कमेटी डेलीगेट कर देगी एडमिनिस्ट्रेशन का काम उस ट्रस्ट को. कंपनसेशन कमेटी कौन सी कमेटी होगी, वही रेगुलेशन 19 दैट इज कॉल्ड एनआरसी कमेटी वाले ही मेंबर्स होंगे इसके अंदर. अगर आल्सो अप टू डेजिग्नेट, आप चाहो तो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी को एज इट इज बना दो, या चाहे तो उसी के मेंबर्स को लेके आप कंपनसेशन कमेटी बना सकते हो. कमेटी फॉर्मुलेट करेगी टर्म्स कंडीशन क्या रहेंगी, सारी चीजें देखेगी कि डिस्क्लोजर से लेके सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं. फ्रेम करेगी सुटेबल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, देखेगी कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी लॉ या अदर लॉज का, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द ट्रस्ट कंपनी और इट्स एम्प्लॉयज. तो ये आपको क्या दे रखा है, कंपनसेशन कमेटी. नेक्स्ट सिंपल टॉपिक दिया गया है शेयर होल्डर अप्रूवल. तो हमें पता है ना एस आर पास करना पड़ेगा, तो आपको एस आर पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है. अब क्योंकि स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी और आपको सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आप नीचे लिखी हुई चीजों के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन. कब कब चाहिए सेपरेट रेजोल्यूशन, अगर आप स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहते हो सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू, तो आपको एक अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इस बात के लिए, और मेंशन करना पड़ेगा कि सेकेंडरी मार्केट से कितना एक्वायर कर सकते हैं. सेकेंडरी एक्विजिशन बाय ट्रस्ट इन केस शेयर कैपिटल एक्सपेंड ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंशन टू मेंटेन द 5% कैप. अगर क्या करना चाह रहे हो, देखो मान लो हमने क्या कहा था कि 1 साल में 2% और ओवरऑल 5% से ज्यादा नहीं कर सकते कंपनी की कैपिटल का, लेकिन मान लो कंपनी की कैपिटल इस दौरान एक्सपेंड हो गई, तो फिर हम एक्सपेंडेड कैपिटल का 5% करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेपरेट एसआर पास करके आप एक्सपेंडेड कैपिटल का 5% कर सकते हैं. ग्रांट ऑफ ऑप्शन एसएआर शेयर्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ सब्सिडियरी और होल्डिंग, तो अगर आप सब्सिडियरी और होल्डिंग के एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा. और अगर आप आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज को कितना देना चाह रहे हैं, 1% से ज्यादा देना चाह रहे हैं, इक्वल टू और 1%, अगर आप कुछ एम्प्लॉयज को 1% या उससे ज्यादा देना चाह रहे हैं तो सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए. तो सेपरेट रेजोल्यूशन कब कब चाहिए, जब हम सेकेंडरी एक्विजिशन करना चाहते हैं तो चाहिए, अगर हम एक्सपेंडेड कैपिटल के हिसाब से सेकेंडरी एक्विजिशन करना चाहते हैं तो चाहिए, अगर हम सब्सिडियरी और होल्डिंग के एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं तो चाहिए, और अगर हम आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज को 1% से ज्यादा कर रहे हैं तो भी चाहिए क्या, सेपरेट रेजोल्यूशन. वेरिएशन ऑफ टर्म्स और कंडीशन, अगर हम टर्म्स को वेरी करना चाहते हैं जिन टर्म्स पे हमने स्कीम इशू करी है, तो हमें एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, प्लस हमें ध्यान रखना है कि प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए. एक कंपनी एंटाइटल है वेरी करने के लिए किसके हिसाब से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. अगर हमें क्या करना है, हम मान लो सेबी की रिक्वायरमेंट है या मान लो कोई भी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज है उसके हिसाब से हमें कुछ वेरिएशन करना पड़ा, तो हमें शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है इस वेरिएशन के लिए. वेरिएशन के लिए जो आप रेजोल्यूशन पास करोगे, इसके नोटिस में आपको सारी डिटेल लिखनी है कि क्या वेरिएशन क्यों है, कौन किसको बेनिफिट होगा और किसको बेनिफिट नहीं होगा. एक कंपनी चाहे तो रीप्राइस करने के लिए भी क्या कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, बट प्राइस क्या कंपनी
कब करोगे ऐसा? जब आपकी स्कीम का प्राइस ज्यादा है और स्टॉक मार्केट में प्राइस कम है, यानी मार्केट प्राइस कम है और स्कीम का प्राइस ज्यादा है, तो ऐसे में स्कीम अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, समझे ना? मार्केट प्राइस से ज्यादा है एक्सरसाइज प्राइस, तो मार्केट में अगर सस्ता मिल रहा है और एक्सरसाइज महंगे में हो रहा है तो कौन लेगा? तो ऐसे में रीप्राइसिंग यानी प्राइस कम करने के लिए, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए वेरिएशन की जा सकती है, बट क्या होना चाहिए, डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, क्या ये ऑप्शन, क्या ये बेनिफिट, क्या ये सारी चीजें आप ट्रांसफर कर सकते हैं? बोले नहीं, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफरेबल है। कोई एम्प्लॉय के अलावा और किसी को ये बेनिफिट दिए भी नहीं जा सकते, ये सारे बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय को ही मिलेंगे, ना ही इन्हें प्लेज कर सकते हो, ना हाइपोथिकेट, ना मोर्गेज, और ना ही किसी भी और तरीके से एलिनिएशन किया जा सकता है। लेकिन कुछ इवेंट है, जैसे डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर है, डेथ होते ही वेस्टिंग यानी डेथ होते ही उनको राइट मिल गया, एक्सरसाइज जब पीरियड आएगा एक्सरसाइज करने का, वहां वेस्टिंग उसी दिन हो जाती है, 1 साल का कुछ जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी उसी दिन वेस्टिंग यानी उसी दिन उसे राइट मिल गया, लेकिन एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज पीरियड जब आएगा तभी कर पाएगा। रिजाइन या टर्मिनेट किया गया है तो फिर उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां तो एक्सपायरेशन ही होगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर या डेप्यूट किया गया किसी एसोसिएट कंपनी में, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग क्या क्या कह रहा है, क्या अगर इन्हें न्यू इश्यू शेयर इज मेड, इनकेस अगर नए शेयर इशू किए गए हैं किसी स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत द शेयर सो इशूड शैल बी लिस्टेड, जो शेयर इशू हुए हैं लिस्ट होंगे किसके ऊपर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, और क्या कर रही है, न्यू शेयर इशू कर रही है, तो न्यू शेयर इशू किए हैं तो क्या करने पड़ेंगे, लिस्ट तो कराने पड़ेंगे ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है स्कीम किसके हिसाब से होनी चाहिए, रेगुलेशन के हिसाब से। एक स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी बतानी है कि आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ले ली है, और आपको लास्ट में जब ये अलॉट कर दोगे तो फिर फाइनल एप्लीकेशन लगा के और स्टॉक एक्सचेंज को बताना भी है कि हमने अलॉट कर दिया है, और अब आप क्या कर दो, नए शेयर की लिस्टिंग को अलाउ कर दो। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी कर रही है शेयर, देखो कंपनी अनलिस्टेड थी जब इशू पाया, तब अनलिस्टेड थी, जब ऑप्शन ग्रांट हुआ, मैं बेसिकली ये कह रहा हूं, जब इशू का ऑप्शन ग्रांट हुआ तब कंपनी अनलिस्टेड थी, लेकिन जब एक्सरसाइज हो रहा है तब कंपनी लिस्टेड है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अनलिस्टेड ने स्कीम लेकर आए थे, ये रेगुलेशंस की सारी कंप्लाइंसेस करें, बस ये है कि शेयर अराइजिंग आफ्टर द आईपीओ, शेयर कब अराइज हो रहे हैं, आईपीओ के बाद, आउट ऑफ ऑप्शन कब दिया था, ऑप्शन दिया था आईपीओ से पहले, तो ये भी लिस्ट होंगे इमीडिएटली अपॉन एक्सरसाइज जब। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आईसीडीआर का कंप्लाइंसेस और बाकी सब चीजों का कंप्लाइंस होना चाहिए, डन। कंप्लाइंसेस एंड कंडीशन, कंप्लाइंसेस एंड कंडीशन क्या है, ये प्री आईपीओ स्कीम है, बेसिकली प्री आईपीओ स्कीम, कि वैसे तो एक कंपनी को इस तरह का कोई इशू नहीं लेकर आना चाहिए, एक कंपनी को इस तरह का कोई इशू नहीं लेकर आना चाहिए जहां कंपनी क्या करे, एक्सरसाइज करे और ये सारी चीजें करे। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक कंपनी को वैसे तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, एक कंपनी शेल नॉट मेक एनी फ्रेश ग्रांट विच इन्वॉल्व अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर टू एम्प्लॉयज अंडर एनी स्कीम फॉर्मुलेटेड प्रियोर टू इट्स आईपीओ और प्रियोर टू लिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर अनलेस। एक कंपनी को कोई फ्रेश ग्रांट नहीं करना चाहिए जब उसे पता हो कि उसका आईपीओ आने वाला है, लेकिन आप कर सकते हो अगर प्री आईपीओ स्कीम आप किसके अकॉर्डिंग लेकर आए हो, इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लेकर आए हो, और लिस्ट होने के बाद आपने इसे रेटिफाई करा लिया बाय द शेयर होल्डर्स। आप वैसे तो देखो प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले ऐसी कोई स्कीम ना लेकर आओ, लेकिन अगर आईपीओ से पहले आप कोई ऐसी स्कीम लेकर आते हो तो आईपीओ के आपको एक तो ये जो स्कीम लेकर आए हो ये रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, चाहे आप अनलिस्टेड थे तो भी आपको रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लाना चाहिए था, और दूसरा आपको रेटिफाई भी कराना पड़ेगा लिस्टिंग के बाद।
कोई चेंज अलाउड नहीं है किसमें, इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन अनलेस सच प्री आईपीओ स्कीम वेदर बाय अनलेस प्योर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। तो ये तो हमें पता है कि कोई भी चेंज करने के लिए आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लिस्टिंग ऑफ शेयर इशूड पर्सन टू इशोर्स शेल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ये अगर आप ये इशू के बाद, मतलब ये जब प्री आईपीओ स्कीम थी एक्सरसाइज हुए तो शेयर्स तो आएंगे, तो शेयर्स के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। वेयर होल्डिंग कंपनी ने इशू किए ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडरी, तो जो भी कॉस्ट आई है उसे डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी। इसी तरह अगर सब्सिडरी रिमबर्स करती है जो पैसा खर्च किया है होल्डिंग कंपनी ने इशोप के लिए और इन सारी चीजों के लिए, तो सब्सिडरी एज वेल एज होल्डिंग दोनों ही डिस्क्लोज करेंगे पेमेंट और रिसिप्ट अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। ये तो सिंपल सी बात कर रहा है, जो भी खर्चा होगा वो दोनों को डिस्क्लोज करना है। कंपनी को क्या करना है, अपॉइंट करना है ए रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम कवर्ड बाय दीज रेगुलेशन टिल द स्टेज ऑफ ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल। कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है जब तक इन प्रिंसिपल अप्रूवल और ये सारी चीजें नहीं हो जाती, सो दैट वो सारी कंप्लाइंसेस करके दे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। एक क्लास और लेंगे छोटी सी और उस क्लास में ये पूरा करेंगे।